कूलम्ब का नियम। आज की इस वीडियो में हम विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पे कोई अन्य आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है, इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक वर्ड आया है अभी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश के समीप कोई अन्य आवेश लाया जाए या विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जब एक विद्युत बल का अनुभव करता है तो उस बिंदु पर उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। इसे हम सूत्र E equals to F upon Q नॉट से शो करते हैं, जहां Q नॉट एक परीक्षण आवेश है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लगा परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रा न्यूटन पर कूलम्ब होता है। इसकी अगर हम वेनी सूत्र की बात करते हैं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, आपको मालूम होगा एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2 और क्यू का हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास आवेश है तो इसका हो जाता है A × T। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो कुछ इस तरह से है MLT-3A−1। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कल्पना करते हैं एक बिंदु आवेश धन Q, आवेश Q की, जो कि बिंदु O पे रखा है। इससे R दूरी पर हम एक अन्य आवेश या एक अन्य बिंदु P की कल्पना करते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम इस बिंदु P पे एक परीक्षण आवेश Q नॉट की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। आपको चित्र देख के समझ ही आ रहा होगा कि यहाँ पे दो आवेश और दो आवेशों के मध्य यदि जो बल लग रहा है उसे हम कूलम्ब के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल F = 1/4πε0 Q × Q0/r². इक्वेशन देते हैं इसे हम फर्स्ट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन बताया था, यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/ में होता है Q0। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। समीकरण एक से F का मान रखने पर, समीकरण एक से हमारे पास F का मान ये पूरा है जहां पे ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। इस पूरी वैल्यू को हम कहां रख देंगे? E = F/Q0 में F की जगह पे। तो हमको मिलेगा E = 1/4πε0 Q × Q0/r² और इसके अपॉन में भी क्या है? Q0। तो ये आपका आ जाएगा Q0 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो E = आएगा आपके पास 1/4πε0 Q/r². स्टूडेंट्स, ये है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम्ब। इसके अलावा इस पूरी की वैल्यू भी मैंने बताया कि 9×10⁻⁹।
यदि ये तो है वायु या निर्वात में, यदि दोनों आवेश के मध्य कोई माध्यम रखा हो तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में, अन्य माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=1/4πε(Q/R) का स्क्वायर, जहां एप्साइलन जो है माध्यम की निरपेक्ष विद्युत शीलता। तो ये है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वायु या निर्वात की उपस्थिति में और माध्यम की उपस्थिति में। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर जिसे हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या है विद्युत बल रेखाएं? विद्युत बल रेखा यह एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है। इस काल्पनिक वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गमन कर सकता है, तथा इनकी विशेषता में आते हैं। तो इनकी विशेषता, पहली विशेषता यह है कि यह धनावेश से प्रारंभ होता है और ऋणावेश पे आके समाप्त होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें धनावेश, तो ये आपका हमने एक ले लिया धनावेश, ये धनावेश से प्रारंभ होती है कुछ इस तरह से और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। ये ऋण आवेश लिया हमने, इस तरह से। यदि हम एक धन आवेश और एक ऋण आवेश ले लें तो एक विद्युत बल रेखा जो कि धन आवेश से प्रारंभ हो रही है और ऋण आवेश पे आके समाप्त हो रही है, दूसरा भी देखें हम इस तरह से, ये धनावेश से प्रारंभ हो रही है और ऋणावेश पे आके समाप्त हो रही है। इसी तरह से ये वाला भी देखिए, ये धनावेश से प्रारंभ और ऋणावेश पे समाप्त। इसी तरह से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आपस में धनावेश से प्रारंभ तथा ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। यदि हम दो सजातीय आवेश लें, प्लस, यहां भी हमने ले लिया एक प्लस चार्ज, तो इससे होके जाने वाली बल रेखाएं इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने चित्र बताया है। हम जानते हैं कि प्लस प्लस चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पे इन दो सजातीय आवेशों के मध्य इन दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो इन दोनों सजातीय आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य में शून्य होती है। इस बिंदु पर जिसे मैंने एन से प्रदर्शित किया है, इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहा जाता है, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। ये बिंदु दोनों जाती आवेशों, दोनों सजातीय आवेशों के मध्य में स्थित होता है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया धन आवेश से बल रेखाएं निकल रही है, ऋण आवेश पे बल रेखाएं आ रही है या समाप्त होती है। ये दो मैंने विजातीय आवेश लिए है जिसपे धन आवेश से बल रेखाएं निकल रही है और ऋण आवेश पे आके समाप्त हो रही है। यहाँ पे मैंने दो समान परिमाण के सजातीय आवेश लिए हैं, दोनों धनावेश और दोनों समान परिमाण के हैं, तो इनसे वो निकलने वाली जो बल रेखा है मैंने इस तरह से चित्र में प्रदर्शित किया हुआ है आपके। अब यहाँ पे इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके मध्य बिंदु पे शून्य होती है, जिसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। इसी तरह से यदि एक कंडीशन और हो सकता है कि इन दोनों आवेशों का जो परिमाण हमने समान लिया है, यदि इनका परिमाण समान ना हो, यानी कि एक आवेश हमारे पास Q1 हो और दूसरा क्या हो Q2, लेकिन दोनों सजातीय हो, जैसे हमने एक प्लस चार्ज लिया है और ये भी प्लस चार्ज, लेकिन ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 आवेश, तब इनके कारण जो विद्युत बल रेखाएं जो है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये जो उदासीन बिंदु हमें इन दोनों के मध्य में मिला था जब इनके परिमाण समान है, यानी कि Q1 बराबर Q2 था, तब ये कंडीशन में ये उदासीन बिंदु हमें इन दोनों आवेशों के मध्य में मिला था, लेकिन यहाँ पे ये उदासीन बिंदु हमें छोटे आवेश पर मिलेगा। छोटे आवेश मतलब जिसका परिमाण छोटा हो। यहाँ पे मैंने Q2 को दिखाने के लिए, शो करने के लिए छोटा लिया है, यहाँ पे Q2 जो है वो छोटा है किससे, Q1 से। तब यहाँ इस आवेश Q1 आवेश से इसकी दूरी को हम ले लेते हैं R1 और इसकी दूरी को क्या लेते हैं R2। तो जब असमान परिमाण के दो सजाती आवेश से बल रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो उदासीन बिंदु मध्य में ना होकर छोटे आवेश की तरफ होता है। तो इस तरह से मैंने बल रेखाओं के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है, इसकी जो विशेषताएं हैं। तो बल रेखा मैंने अभी बताया कि बल रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक और निष्कोण वक्र रेखाएं होती है, जिस पर कोई धनावेश स्वतंत्र रूप से गमन कर सकता है, गति कर सकता है। इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे आके समाप्त होती है। दूसरी विशेषता यह है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका कारण यह है, यदि हम मान लें कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक बल रेखा हमने लिया और एक दूसरी बल रेखा हमने यहाँ पे काटते हुए ले लिया। मान लीजिए यदि ये बल रेखाएं एक दूसरे को, दो बल रेखा, ये पहली बल रेखा हमने ली और ये दूसरी बल रेखा, ये दो बल रेखाएं जब एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद करती है किसी बिंदु पे, तो इस बिंदु पे हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ये स्पर्श रेखा और दूसरी ये स्पर्श रेखा, जो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाओं को प्रदर्शित करता है, जो कि असंभव है। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि ऐसा हुआ तो प्रतिच्छेद बिंदु पे या कटान बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव है। तो इस तरह से दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और तीसरा इसका विशेषता ये है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पे हम कल्पना करें तो ये बल रेखाओं बहुत सारे बिंदु हैं, इसमें किसी भी एक बिंदु पे अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचें, तो वो स्पर्श रेखा इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है? काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं, जिस पर स्वतंत्र धनावेश क्या कर सकता है, गति कर सकता है। धनावेश से ये प्रारंभ होती है, ऋणावेश पे आके समाप्त होती है। इसके किसी भी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। और दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। यदि ऐसा हुआ तो प्रतिच्छेद बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि तीव्रता की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। चलिए अब हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? विद्युत द्विध्रुव जब दो समान परिमाण के विजाती आवेश
एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो